बड़ी खबर, किशनगंज के कोचाधामन से विधायक झाजी इजहार रफी साहब ने सड़क शिलान्यास के दौरान मीडिया को किया संबोधित। हालांकि उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने बताया कि ये सड़क पुरंदा पंचायत कोचाधामन प्रखंड के पंचायत पुरंदा में, जहां 15 वर्ष से अधिक सड़क नहीं बना था, जिसको लेकर इस बार शिलान्यास करते दिखे। AIMM पार्टी के विधायक हाजी इजहार रफी साहब ने शिलान्यास की, वही मीडिया को संबोधित भी किया। साथ साथ दूसरी सड़क को भी शिलान्यास के टगरिया पंचायत अंतर्गत, हालांकि ये सड़क को लेकर विवाद था, जहां दो विधायकों को लेकर के लोगों का कहना था कि बहादुरगंज विधायक की तरफ पड़ता है, तो दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि कोचाधामन विधायक। हालांकि वहां के ग्रामीणों ने बताया कि एक वार्ड जो बहादुरगंज विधानसभा में पड़ता है और बाकी पंचायत वो कोचाधामन विधानसभा पड़ता है, जिसके कारण ये सड़क नहीं बन पा रहा था। लंबे अरसे के बाद अब ये सड़क का शिलान्यास हुआ है, वही लोगों में खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि ये सड़क बन जाने से लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं हाजी इजहार रफी साहब ने मीडिया को संबोधित के दौरान बताया कि सड़क सिर्फ पुल पुलिया ही शिलान्यास नहीं, बल्कि गरीब जनताओं की विकास विकसित करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। वही हमारे संवाददाता ने पहुंचकर कई मुद्दों पर बात की। कोचाधामन से AIM पार्टी के विधायक हैं हाजी इजहार रफी साहब। मीडिया को संबोधित के दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने खंडन किया। इस वक्त जो है खबरें बड़ी है, तस्वीरों पर आप देख रहे हैं कि हाजी इजहार रफी साहब कोचाधामन के प्रखंड में दो सड़क का शिलान्यास करते नजर आए। चलिए तस्वीरों पर 15 साल के बाद इस रोड का शिलान्यास हुआ है, और कुछ लोग ये भी कहने लगे कि हर बार यहाँ नेता आते हैं लॉलीपॉप दिखा के चले जाते थे। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना है तो हम लोग कुछ लोगों से नहीं ना लड़ाई करेंगे, और कह भी रहा था कोई बजाय बात नहीं करा। ये बात सही है कि कई मर्तबा कई नेता आकर के यहाँ के लोगों को बहुत लॉलीपॉप दिखाया था, और जब मेरा बारी आया तो 13 महीना मेरा गुजरा, और उससे पहले हम काम शुरू करा करके तब आज हम शिलान्यास कर रहे हैं जी, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में ये बात नहीं आए कि और नेता की तरह से इजहार अस्थी भी ध्रुवबाजी करेगा। इसलिए हमने पहले काम करा शुरू करा दिया है, और आज हमने इसका शिलान्यास करने का काम किया। सर, 15 साल के बाद ये रोड ये भी बनने जा रहा है, लोगों के यहाँ बहुत काफ़ी ये हैं कि नहीं कुछ काम हो रहा है? अब देखिए, 15 साल ही नहीं, इसको और भी ज़्यादा 30 साल कह दीजिए तो भी लगेगा। अच्छा, ये बहुत ज़माना पहले भी इस रोड में हम लोग आया जाया करते थे, आज के दिन तक ये यही रहा, ख़राब स्थिति में रहा। हम लोग बैलगाड़ी से जब जा रहे थे दक्षिण की ओर लखड़िया साइड वगैरह और वो कहीं ही, तो बहुत बुरा हाल था। आज भी गाड़ी जाने में दिक्कतें हो रही है। हमने सोचा कि सबसे पहले हम इस काम को करें, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो, साथ साथ हम लोग भी आराम आराम से जाएं, हम लोगों को भी गाड़ी आराम से चले जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया।